कॉन्क्वेंसेज ऑफ़ बुलिंग वट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिंग हमने ये देखा है बुलिंग जो है दिस इज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर सो इफ इट इज इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव बिहेवियर देन इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इसमें जब हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो दोनों पर लागू होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बुलिंग के वो बुली पर भी होते हैं विक्टम पर भी होते हैं और स्कूल कम्युनिटी पर भी होते हैं तो जब कॉन्सिक्वेंसिस की बात आती है तो ये देखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ विक्टम जो है उसके लिए जो है उसके जो हैं बुरे नतीजे नहीं होते वो हम बुली को भी एक तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं कि जिस तरह का भी आप बिहेवियर स्कूल में या क्लासरूम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल एंड बेसिकली ये बहुत गलत बात है जब आप किसी नेगेटिव बिहेवियर को होने देते हैं तो बेसिकली आप उसको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली प्रमोट कर रहे होते हैं सो अनलेस यू कर्ब द नेगेटिव बिहेवियर देयर एंड देन इट विल कॉन्टिन्यू टू प्रॉस्पर इसीलिए जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बुली के लिए भी होते हैं और वो कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते कि ही और शी कैन कॉन्टीन्यू विद दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर विक्टम के लिए बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि जाहिर है जो विक्टम है वो विक्टमाइज होता चला जाता है या वो फिज़िकल अब्यूज का शिकार होता है या वो वर्बल अब्यूज़ का शिकार होता है और उसमें डर और खौफ बैठ जाता है और फिर ये बाज़ा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे डू नॉट गो टू स्कूल और दे टेल देयर पेरेंट्स दैट दे डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल आम तौर पर जो विक्टम्स हैं वो वाज तौर पर इजहार नहीं करते दैट दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन स्कूल्स या दे आर बीइंग बुलीड इन स्कूल्स इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो स्कूल कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरा होता है स्कूल का जो एक एटमोसफियर है वो डैमेज होता है सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेनटेन द स्कूल कल्चर एंड द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल एंड दैट इज ओनली पॉसिबल वंस इज चेक्ड द बिहेवियर्स आर प्रॉपरली मॉनिटर्ड एंड इज चेक्ट एंड प्रॉपर एक्शंस आर टेकन एट द राइट टाइम ताकि जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो डेवलप ही ना होने दिए जाए इसके अलावा जो विक्टम्स हैं दे कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो विक्टम्स हैं उन पर बुलिंग का एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है इट कैन डैमेज देयर पर्सनैलिटी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में बुलिंग का शिकार हुए और उससे उनकी शख्सियत जो है वो मस्क हो गई जिससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स रहे वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो उनकी जो शख्सियत है वो उस तरह निखर नहीं पाई जिस तरह निखरनी चाहिए थी और उसका एक कॉज बुलिंग भी हो सकता है क्योंकि अब लोग इसका इजहार नहीं करते कि वो उनको बुली किया गया है इसलिए पता नहीं चलता कि एक ख़ास बिहेवियर जो है वो क्यों सामने आ रहा है इसके अलावा जो विक्टम्स हैं उनको इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं दे है अंडरगो इमोशनल ट्रॉमा अगेन समटाइम्स दे डू नॉट टेल देयर पेरेंट्स और दे डू नॉट टेल देयर टीचर्स दैट दे आर बींग बुलेड बाई सम पीपल तो वो वो अंदर ही अंदर एक इमोशनल ट्रामा का शिकार होते चले जाते हैं दैट कैन अगेन अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटी इसके अलावा एकेडेमिकली वो डैमेज हो जाते हैं एकेडेमिकली दे आर अनएबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ बींग विक्टमाइज बाई सर्टन पीपल ये जो है ये भी एक नेगेटिव अमल है इसके अलावा दे कैन हैव बिहेवियरल इश्यूज, दे कैन हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो दीज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बुलिंग और हमें ये देखना है कि हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें सबसे पहले तो टीचर्स को आगाही होनी चाहिए कि बुलिंग है क्या आमतौर पर टीचर्स जो हैं वो बुलिंग को डिफ़ाइन नहीं कर पाते उनको ये मालूम नहीं होता कि जब हम नेगेटिव बिहेवियर्स की बात करते हैं तो उसमें बुलिंग कहाँ आती है और बुलिंग जो है उसकी लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है बुलिंग इज़ अ सीरियस नेगेटिव बिहेवियर और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके सामने हैं सो एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंट्रोल बुलिंग एज मच एज पॉसिबल